हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, इस टाइम टू लर्न एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की जानकारी मिल सके। आज हम चांद वाली अम्मा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। बच्चों, प्रश्न संख्या दो, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बच्चों, झाड़ू उनके हाथ में थी और उन्होंने लास्ट तक झाड़ू नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी, क्या कारण था? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है बच्चों, बार बार आसमान आकर अम्मा की कमर से टकरा जाता था ना, क्यों टकराता था? आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मज़ा आता था। पहले के समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा। हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति थी क्योंकि बच्चों अभी तो आसमान बहुत ऊंचा है, चाहकर भी नहीं टकरा सकता। जब बूढ़ी अम्मा उड़ रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? उत्तर, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, घबरा कर बोली होंगी। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, बेटा मैं नीचे गिर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, गिड़गिड़ा कर बोली होंगी। तू छोड़ता है या नहीं, गुस्से में बोली होंगी। बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तरकीब सूझने पर बोली होंगी। घूरना, घूरना एकटक देखना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। उत्तर, मेरे पिताजी कब घूर कर देखते हैं? मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। मेरे शिक्षक, टीचर्स, अध्यापक कब घूर कर देखते हैं? मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बहन घूर कर देखती है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। दम लगाकर हईशा। प्रश्न, रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। देखो बच्चों, चित्र में भी देख रहे हैं ना, एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ खेलती हों। ऐसे और कौन कौन से खेल हैं जिनमें दो टोलियाँ खेलती हैं? खो खो, कबड्डी, शतरंज, क्रिकेट, इन सब में दो दो टोलियाँ खेलती हैं। और भी बहुत से खेल हैं। प्रश्न, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या घर की सफाई करने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश, इन सब का इस्तेमाल हम घर की सफाई में करते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? नवरात्र, दीपावली, विवाह, जन्मदिन और मेहमानों के आने पर घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। बच्चों, दिवाली हो गई, किसी की शादी है, ब्याह है, जन्मदिन है या कोई मेहमान आने वाला है, तब भी हम लोग घर का एक एक कोना साफ करते हैं ताकि किसी तरह की कोई गंदगी उन्हें आने पर दिखाई ना दे। ये मौके खास क्यों होते हैं? उत्तर, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है। मेरा जन्मदिन भी वर्ष में एक बार आता है, घर में पार्टी का आयोजन किया जाता है। विवाह तो प्रायः जीवन में एक ही बार होता है, इसलिए घर की साफ सफाई की जाती है। इन मौक़ों पर मेहमान भी आते हैं। नवरात्रों पर प्रायः घर में देवी माँ का आगमन होता है, इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए इन मौक़ों पर खास तौर से बहुत जोर शोर से सफाई की जाती है। बच्चों, आप भी मदद करते हैं ना घर वालों की,
बहुत अच्छा। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। उत्तर, धोना, पोछना, रगड़ना, बुहारना, चमकाना, ये सब सफाई से जुड़े शब्द हैं। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है? उत्तर, बूढ़ी अम्मा के कौन कौन से काम थे बच्चों? पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। मेरे घर में कौन कौन काम करता है? माता पिता दोनों काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पानी भरने का, सफाई करने का काम नौकरानी करती है, कपड़े धोने का काम बड़ी बहन करती है, खाना बनाना माता जी करती हैं, और कभी कभी आप लोग भी मदद करते हैं ना, सब्जी छीलने में, कूड़ा फेंकने में। वेरी गुड। तुम कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, घर से बाहर के काम, झूठे बर्तन उठाकर रखना, इधर उधर पड़ी वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पर रखना, जूतों पर पॉलिश करना, मेहमानों को पानी पकड़ाना, ये वो काम है जो आप घर में करते हैं। घर से बाहर के काम, दूध लाना, ट्यूशन जाना, दुकान से सामान लाना, सब्जी वाले को बुलाना, पढ़ने जाना, ये सब वो काम है जो आप घर से बाहर जाकर करते हैं। कितने नाम कितने काम, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छाट कर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द अलग अलग दिए गए हैं। नाम वाले शब्द आसमान, चांद, पानी, झाड़ू। काम वाले शब्द कौन कौन से बच्चों? झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना, उठाना। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ ही नहीं, मैंने तो एक बार, बच्चों यहाँ अपने सोचकर जो शैतानी आपने की है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी बताती हूँ। एक बार मैं मम्मी पापा के साथ मेला देखने गई, मैं रास्ता भूल गई, मैं एक कोने पर छुपकर खड़ी हो गई। मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए मेरे सामने से निकल गए, मुझे शरारत सूझी, मैं उनके पीछे चल दी। जब वे परेशान हो गए तो मैंने उन्हें एकदम से आवाज़ लगाई, मम्मी ने मुझे डांटा और रोते हुए गला लगाया। लेकिन बच्चों ऐसी शैतानी करना अच्छी बात नहीं। प्रश्न दो, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है? बनाओ। बच्चों आपको चांद में बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं, चरखा काटते हुए कोई दिखाई देता है, मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा दिखाई देता है। आपको जो दिखाई देता है आप पेंसिल की सहायता से अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। बच्चों अगली वीडियो में हम मन करता है पाठ के, सॉरी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और आपके सलाह और सुझाव आमंत्रित हैं। अगर किसी भी तरह के आप सलाह या सुझाव देने चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी आकर लिख सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।